नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना कुणाल सिंह। मैं चोर मचा शोर नाम से एक भोजपुरी फिल्म बना रहा था। उसमें कई टाइटल में असुविधाएं हुई हैं, अड़चनें आई हैं, इस वजह से आज मैं आपसे मुखातिब हूं, आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। अब इस फिल्म को मैं चोर पुलिस नाम से आप दर्शकों के बीच में लाऊंगा। इस फिल्म में हमारा बेटा आकाश सिंह यादव, रानी चटर्जी, अंजना सिंह, अवधेश मिश्रा, मनोज टाइगर और गेस्ट अपीयरेंस में काजल रघवानी, ये तमाम कलाकार हैं। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि एक निर्माता, जिसकी कोई गलती नहीं है, मैं अपने एसोसिएशन में कहानी के हिसाब से चोर मचा शोर टाइटल के लिए अप्लाई किया और मुझे एसोसिएशन ने रजिस्ट्रेशन दिया मेरे नाम से। मैंने फिल्म बनाई और मैं फिल्म बना के इस फिल्म को सेंसर भी करवाया इसी टाइटल से। लेकिन अचानक एक दिन प्रवेश सिप्पी जी, NN सिप्पी फिल्म्स के वकील साहब ने एक नोटिस भेजा कि ये टाइटल कॉपीराइट है उनके पास। मैंने पता किया। अब वो कहीं से गलत तो है नहीं, चूंकि कॉपीराइट है तो उनका ऑब्जेक्शन भी अपनी जगह सही है, लेकिन मेरी भी कोई गलती नहीं चूंकि मुझे मेरे एसोसिएशन ने टाइटल दिया है और मैं इतना आगे बढ़ा, पैसे का नुकसान, मेरी रिलीज जो फरवरी में मैं करना चाहता था वो नहीं हो पाया। अब मैं मार्च में आप दर्शकों के बीच में चोर मचाए शोर को चोर पुलिस के नाम से आपके बीच लाऊंगा, फिल्म देखिएगा। लेकिन साथ ही मैं तमाम इस घटना के बाद मैंने जो झेला, जिसमें मेरी कोई गलती नहीं, लेकिन अपने तमाम निर्माताओं को मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि आगे से जब भी कभी आप कोई टाइटल लें फिल्म बनाने के लिए, तो कृपया चेक कर लें कि कॉपीराइट किसी के पास है या नहीं, वरना मेरी तरह आप भी नुकसान झेलेंगे। और एट द सेम टाइम मैं अपने एसोसिएशंस, जितने भी प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया हम जैसे निर्माता जो छोटी फिल्म बनाते हैं, रीजनल फिल्म बनाते हैं, बड़े मुश्किल से फिल्म बनाते हैं, उसको कोई भी टाइटल देने के पहले एक बार आप भी चेक कर लें कि किसी के पास कॉपीराइट है या नहीं। नहीं तो वो प्रोड्यूसर बेचारा बहुत तकलीफ में आएगा, उसकी पब्लिसिटी बेकार हो जाएगी, उसका सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और प्रवेश सिप्पी जी की तरह जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो बड़े कंपनी हैं, जिनके पास कॉपीराइट है, उनसे भी रिक्वेस्ट करता कि कृपया आप भी तमाम एसोसिएशन को एक पत्र द्वारा इंटीमेशन दे दें कि इस टाइटल का कॉपीराइट मेरे पास है, कृपया एसोसिएशन अलॉट करने के पहले कंफर्म कर ले, तो मुझे लगता है कि इस परेशानी से बचा जा सकता है। कुणाल भैया, वैसे जब नाम बदल गया है, फिल्म हुई है, जो रिलीज में डिले हुई, अगर फिल्म रिलीज से डिले हुई, जिसमें जो नुकसान हुआ, जो तकलीफें हुई, अब इसकी जिम्मेदारी किसकी है? एसोसिएशन की है, सेंसर बोर्ड की है, जिसके पास कॉपीराइट है उसकी है? नहीं, सेंसर बोर्ड की तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि जब एसोसिएशन कोई टाइटल देता है उसको ही सेंसर बोर्ड अप्रूव करता है, और सेंसर बोर्ड का काम फिल्म का सर्टिफिकेशन करना है। बात वहीं हो के आ जाती है कि अगर ये मसला न उठा होता तो आगे हमारी तरह कई लोग फंसते। इसमें हम सब कहीं ना कहीं गुनाहगार हैं जो इस चीज़ की गंभीरता को नहीं समझे। हमारे एसोसिएशन को समझना चाहिए था कि अगर किसी के पास कॉपीराइट है तो वो क्लेम कर सकता है, और हम एसोसिएशन में इसलिए रहते हैं कि एक प्रोड्यूसर्स के राइट को प्रोटेक्ट किया जाए, बचाया जाए। अब प्रवेश सिप्पी जी ऐसे जितने प्रोड्यूसर हैं, ही सच ए जेंटलमैन, उनसे मेरी बातचीत हुई और इस मसले को हम लोगों ने आपस में सुलझा लिया। लेकिन प्रवेश सिप्पी जी ऐसे लोग भी अगर इंटीमेशन दे दें तमाम एसोसिएशन को, और भी जो प्रोड्यूसर, सिर्फ वो ही नहीं, और भी जिनका कॉपीराइट जिनके पास है, तो मुझे लगता है कि इस समस्या से बचा जा सकता है। अब जो नुकसान होना है वो तो हो गया, उसको कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन आप दर्शकों से ये आग्रह है कि चोर मचाए शोर अब चोर पुलिस के नाम से आएगा, आप देखेंगे ज़रूर। कुणाल भैया, वैसे बहुत सारे धड़ल्ले से भोजपुरी में हिंदी नामों को लेकर, हिंदी फिल्मों के टाइटल को लेकर फिल्में बनी हैं, बन भी रही हैं और शायद आगे भी बनेंगी। क्या ये एक अलार्म जैसा है जो बज उठा है कि अब हिंदी फिल्मों के नाम अगर उठाकर उन्हें उनकी टाइटल पर फिल्में बनाएंगी तो आपको इस तरह की परेशानी का सामना करना होगा?
नहीं देखिए, ये सवाल हिंदी फिल्म के टाइटल और भोजपुरी फिल्म का नहीं है, क्योंकि जो दर्शक हैं हमारे वो हिंदी फिल्म के भी दर्शक हैं और वही भोजपुरी फिल्म के भी दर्शक हैं, और वक्त बदल गया है इसलिए सिनेमा भी बदल गया है, तो वो बात नहीं। बात ये है कि अगर एक प्रोड्यूसर कहानी के मुताबिक टाइटल रखता है तो हमारे एसोसिएशन को ज़रूर चेक करना चाहिए कि किसी के पास कॉपीराइट है कि नहीं, और अगर जिनके पास कॉपीराइट है वो इंटीमेशन दे दें तो इस सब प्रॉब्लम से सब लोग बच जाएंगे। अब कुणाल भाई, आप बेसिकली अब बात करते हैं फिल्म से, फिल्म के सब्जेक्ट पर लौटते हैं, चोर पुलिस जो नाम बदल के नया नाम रखा है, इस फिल्म के बारे में बताइए, कब तक थिएटर्स में आ सकेगी? जी अभी ये मार्च महीने में आ जाएगी, और चोर पुलिस एक भरपूर मनोरंजन पूर्ण फिल्म है। मनोरंजन पूरा है लेकिन अश्लीलता कहीं नहीं, क्योंकि मैं एक ऐसा कलाकार हूं जो अश्लीलता के खिलाफ हमेशा लड़ता रहता हूं। इसमें मेरा बेटा आकाश सिंह यादव हीरो है, उसकी पहली भी फिल्में आ चुकी हैं, और रानी चटर्जी हैं, अंजना सिंह हैं, मनोज टाइगर हैं, अवधेश मिश्रा जी हैं, सनी सिंह हीरोइन हैं, वो हैं बहुत सारे, कुंदन कृष्णन करके एक नया लड़का है। मैंने कई लोगों को, नए कलाकारों को भी इसमें मौका दिया है। तो एक बड़ी अजीब सी कहानी कि एक चोर के ट्रैवल, उसके सफ़र के साथ, चोरी करते हुए जो सफ़र है उसके किन किन घटनाओं से उसे गुजरना पड़ता है अलग अलग प्रदेशों में, और अल्टीमेटली क्या होता है। लेकिन मैं ये ज़रूर आपको वादा कर सकता हूँ कि पूरे परिवार के साथ देखिए, अपनी दादी, अपनी पोती, अपने भाई बहनों, जिनके साथ भी देखिएगा, मेरी फिल्म में अश्लीलता कहीं नहीं है और भरपूर मनोरंजन पूर्ण फिल्म है। कुणाल भैया, वैसे चुनाव का भी मौसम आ रहा है, गर्मी सिर्फ फिल्म से नहीं होगी, चुनाव के तारीखों से भी गर्मी होगी, 60 दिन से भी कम वक्त बचा है। मोदी सरकार का ये जो कार्यकाल है पूरा 5 साल का, उसे कैसे देखते हैं कुणाल सिंह, क्योंकि इलेक्शन भी लड़ चुके हैं ये? जी हाँ, मैं 2014 में पटना साहिब से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार था और मैं श्री शत्रुघ्न सिन्हा जी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, और पिछले 5 वर्षों में जो जुमलों को इस्तेमाल करके सरकार बनी थी, मुझे लगता है कि कोई भी हिंदुस्तानी उन जुमलों पे यकीन करके उनको सत्ता में बैठाया था, लेकिन वो ख्वाब पूरे नहीं हुए। मुझे लगता है कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के लिए एक समस्या खड़ी करेगा, चूँकि अगर आप राजनेता हैं, आप देश की बागडोर आपके हाथ में है, तो लोगों के तकलीफ़ों को, लोगों की समस्याओं को अगर आप नहीं सुलझाएंगे, मैं ये भी नहीं कहता हूं कि जैसे मोदी जी ने 2014 में कहा था कि जादू की छड़ी और हिंदुस्तान की तकदीर बदल देंगे, वैसा कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको सेंसिटिव होना होगा, उन समस्याओं को जानना होगा, उसे दूर करने का प्रयास करना होगा। और आज मैं देखता हूँ कि जो सत्ताधारी दल के तमाम नेता इतने घमंड में हैं, जैसे लगता है कि हमेशा वो सत्ता पे काबिज रहने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा उनके लिए नुकसानदेह है। कुणाल भैया, वैसे शत्रुघ्न सिन्हा शॉटगन साहब का जो मिजाज है वो बदला हुआ है, बागी तेवर उन्होंने अपना लिए हैं, लगता है पट्टा साहेब वाली सीट से आपका मैदान इस बार खाली है? देखिए, जब आप राजनीति में हैं तो आपको पार्टी दूसरे क्षेत्र से भी चुनाव लड़ने के लिए कहती है, किसी और जिम्मेदारी को निभाने के लिए भी कहती है। आपने देखा होगा कि केंद्रीय मंत्री रहे कमलनाथ जी या अशोक गहलोत जी, ये लोग केंद्रीय राजनीति में थे और प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो मुझे नहीं मालूम मेरी पार्टी मुझे क्या जिम्मेदारी देने वाली है, दूसरा क्षेत्र देगी चुनाव लड़ने के लिए या फिर प्रदेश की राजनीति में कहीं इस्तेमाल करेगी। कांग्रेस का सिपाही हूं, जो जिम्मेदारी देगी निभाऊंगा। इस बार अगर पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा के सामने फिर से अगर कुणाल सिंह को कांग्रेस टिकट देती है तो आपको लगता है कि आप ना सिर्फ खड़े होंगे बल्कि आपको जीत की कितनी उम्मीदें हैं? मैं निश्चित रूप से जीतूंगा, क्योंकि हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा जी मेरे बड़े भाई की तरह हैं, और ये तो नीतियों की लड़ाई है दो भाइयों के बीच, वो उस पार्टी की नीति पे यकीन रखते हैं, मैं इस पार्टी की नीति पे यकीन रखता हूँ। लेकिन जनता में जो आक्रोश है, जो तकलीफ झेल रहे हैं, चाहे वो नोटबंदी हो, GST हो, अभी राफेल का मामला आया है, तो कहीं ना कहीं वो आक्रोश है एक बदलाव के लिए, और इसका लाभ मुझे मिलेगा,
और मैं खुद राजनीतिक परिवार से रहा हूँ, मेरे पिताजी बिहार सरकार में मंत्री रहे कई वर्षों तक, तो राजनीति भी मैं जानता हूँ और मैं राजनीति से फिल्मों में आया हूँ, ना कि फिल्मों से राजनीति में गया हूँ। ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, लोगों की समस्याओं को समझता हूँ। आखिरी सवाल, प्रियंका गांधी वाड्रा के कांग्रेस में एक्टिव होने से, महासचिव बनने से, इस चुनाव में खास तौर पर कांग्रेस को कितना और क्या फायदा होगा? देखिए, प्रियंका जी के आगमन का इंतज़ार हम कांग्रेसियों को बहुत दिनों से था और लोग उम्मीद भी करते थे। उनकी एक छवि है दूसरे तरह की, एक ममता से भी परिपूर्ण, एक जो समस्याओं से उनका पूरा परिवार घिरा है, जहां बदले की राजनीति होती है वहां भी वो लड़ रही हैं एक महिला होने के बावजूद, और महिला होने से महिलाओं और युवा होने से युवाओं की तकलीफ़ को वो ज़्यादा करीब से समझती हैं। तो मुझे लगता है कि जो उत्तर प्रदेश की राजनीति जिम्मेदारी उनको दी गई, राजनीतिक जिम्मेदारी, बखूबी निभाएंगी और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। अगर कांग्रेस के लिए सच में अच्छा होगा कुणाल भैया, चलिए मैं उम्मीद करता हूँ, तो क्यों ना फिर प्रियंका गांधी देश की प्रधानमंत्री हो जाएं? देखिए, प्रधानमंत्री किसी के बोलने से और किसी के सोचने से नहीं होता है। राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या हैं, सहयोगी दलों का विचार क्या है, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं, और हमारी पार्टी में फिर जो लोग क्या सोचते हैं। लेकिन आज के दिन में राहुल गांधी जी ही हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, अगर हमारी पार्टी को बहुमत आया तो। अगर महागठबंधन को बहुमत आया तो फिर सब दल मिल के बैठ के फैसला करेंगे प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अगर प्रियंका गांधी को आगे करने से कांग्रेस को राजनीतिक फायदा मिलता है तो फिर उन्हें देश के बाहर सम्मान देने में क्या परेशानी है? नहीं, अभी बहुत जल्दी है, अभी तो पहले चुनाव हमें 2000 में लड़ना है, एक बदलाव लाना है, मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकना है, फिर हम धीरे धीरे मंजिल तय कर लेंगे, परेशान मत होइए। थैंक यू। सर, चोर पुलिस का ट्रेलर अभी तो रिलीज हो चुका है, ये चोर पुलिस के नाम से कब तक आएगा? पहले जो ट्रेलर रिलीज हुआ था चोर मचा शोर के नाम से, अभी मैंने सेंसर में डाला है और मैंने कॉपीराइट के लिए भी चोर पुलिस टाइटल अप्लाई किया है, तो बहुत जल्दी मुझे लगता है एक सप्ताह के अंदर चोर पुलिस टाइटल के साथ यूट्यूब में ट्रेलर भी आएगा आप दर्शकों के बीच में, और अगले महीने में फिल्म भी आ जाएगी। फिल्म में दो हीरोइन है, दोनों को लेने का क्या कारण है आपका, रानी चटर्जी और रंजना सिंह? ये तो कहानी का डिमांड है। अब मैं खुद कलाकार हूं लेकिन मैं अपनी फिल्म में अभिनय नहीं किया चूंकि मेरे लायक रोल नहीं था, तो मैं फिल्म बनाता हूं दर्शकों के लिए, जिस किरदार की आवश्यकता होगी वही मेरे फिल्म में अभिनय करेंगे, और कहानी के डिमांड से उन दोनों हीरोइनों का काम था, और इसमें तीसरी हीरोइन सुप्रसिद्ध हीरोइन काजल राघवानी ने आइटम सॉन्ग किया है, तो तीन तीन हीरोइनें हैं, एक गेस्ट अपीयरेंस गार्गी पंडित हीरोइन है, उन्होंने भी किया है, तो बड़ा मज़ेदार एक इक्वेशन आपको इस फिल्म में मनोरंजन पूर्ण रूप से देखने को मिलेगा। चार हीरोइन है, सबसे आपको ज़्यादा किस पे विश्वास है चारों से? चारों अपनी जगह बहुत सही हैं, मुझे विश्वास मेरी फिल्म पर है, और मुझे विश्वास मेरे फिल्म में जो किरदार, चाहे वो मेरा बेटा आकाश, रानी, अंजना, अवधेश या जितने भी कलाकार हैं, टाइगर, सब अपने किरदार को बखूबी निभाए हैं, इसी वजह से मेरी फिल्म बहुत अच्छी बनी है। आकाश को आपको बहुत उनसे उम्मीद है इस सिनेमा से, आप उनको क्या देखते हैं उनके अंदर? देखिए, मैं एक बाप होने के नाते एक बेटे को लेकर जो सपना देखा जाता है देखता हूँ, लेकिन चूंकि मैं कलाकार हूँ और पिछले 39 वर्षों से मैं भोजपुरी सिनेमा में कलाकार की हैसियत से रहा हूं, 16 वर्षों तक नायक रहा, उसके बाद अब चरित्र अभिनेता के रूप में काम कर रहा हूं, तो इस सफ़र को भी बहुत करीब से देखा है, इसकी तकलीफ़ें, इसकी उतार चढ़ाव को भी बहुत देखा है, तो मैंने कहा था आकाश को कि बेटा पहले आप मेहनत करके तैयार हो जाइए, जब आप तैयार होंगे तभी आप फिल्मों में काम कीजिएगा। चोर पुलिस कब तक दर्शक देख सकते हैं? अगले महीने में प्रदर्शित हो जाएगी एक साथ पूरा इंडिया। जी हाँ। और फिल्म से जुड़ा और ऐसे कलाकारों का नाम बताएं जो जुड़े हुए हैं? जी हाँ, इसमें जो मुख्य कलाकार तो हैं ही हैं, इसके साथ साथ सनी सिंह हीरोइन हैं वो भी हैं, कुंदन कृष्णन एक नया लड़का है वो भी इसमें अभिनय कर रहा है, आर के गोस्वामी हैं,
बहुत सारे कलाकार हैं, दीपक सिन्हा जी हैं, गोपाल राय जी हैं, ब्रजेश त्रिपाठी जी हैं, मुझे लगता है कि भोजपुरी सिनेमा के सारे कलाकारों ने मुझे सहयोग दिया है, मुझे प्यार दिया है और वो सब इस फिल्म में। इस फिल्म की शूटिंग में थोड़ा वक्त लगा चूँकि ये कहानी ही ट्रेवल करती है। अब ये बिहार से कहानी शुरू हो के बिहार और नेपाल के बॉर्डर में चोर पहुंचते हैं, वहाँ से होते हुए ये बनारस कहानी पहुंचती है, बनारस में भी शूटिंग की, वहाँ से होते हुए मुंबई और गुजरात के बॉर्डर पे आते हैं, गुजरात में भी शूटिंग हुई और फिर बम्बई में। तो ये चोर के रास्ते से कहानी ट्रेवल कर रहा है हर जगह, तो मुझे कई प्रदेशों में इसकी शूटिंग करनी पड़ी, इसलिए भी थोड़ा वक्त लग गया। जाते हैं तो दर्शकों कुछ कहना चाहेंगे? अपनी भाषा पे गर्व कीजिए, अपनी भाषा के फिल्मों को थिएटर में जाके देखिए। अगर आपका प्यार थिएटर में नहीं मिलेगा तो हम जैसे लोग जो अपनी जिंदगी भोजपुरी फिल्मों के लिए गुजार देते हैं, आपके मनोरंजन के लिए गुजार देते हैं, हम कमज़ोर हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे। तो हमें भी शक्ति दीजिए और अपनी भाषा की फिल्मों को थिएटर में जाके देखिए। थैंक यू सर।